الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ایک دفعہ محبت نال باواز بلند درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سارے دوست اس طرح پڑھو ساڈا ایمان ہے ساڈا درود مدینے تے جدا جدا ایمان ہے میرا ایمان ہے سارا دا ایمان ہے جڑے تھے آئے نے کہ ساڈا درود مدینے پہنچ دے ہن ذرا سارے محبت نال باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين برادران اسلام اج دی نورانی اور وجدانی محفل جس دے اندر تسی تے میں اج حاضر ہاں محفل میلاد ویسے ہی بڑی برکت والی ہوندی ہے لیکن جدو ایک اللہ دے ولی دے اصال ثواب واسطے کیتی جائے پھر اللہ دا ولی بھی کوئی عام نہیں ہووے بھی سید ہووے بھی سید اونا دے سالے ثواب واسطے کیتی جائے تے یقیناً ساڈی بخشش دا ذریعہ ہے یقیناً ساڈی بخشش ذریعہ ہے تے دوستو جڑے دوست ایتھے آئے ہو تے کچھ دوست گھراں دے اندر سن رہے نے کہندے نے جی کی جا کے کران گے گھر آواز تے آ رہی ہے کچھ لوگ کہندے نے نہیں محفل میلاد تے جانا ہی نہیں چاہیے اور میں کیا تسی آ بھی نہیں سکتے کیونکہ مدینے والے بلاندے ہی نہیں مدینے والے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں نماز پڑھیے ہو سکتا ہے قبول ہووے یا نہ ہووے روزہ رکھیے ہو سکتا ہے قبول ہووے نہ ہو یا ہووے زکات دیئے ہو سکتا ہے قبول ہووے یا نہ ہووے حج کریے ہو سکتا ہے قبول ہووے یا نہ ہووے میں نو قسم رب کعبہ دی محفل میلاد کراندہ ہی ہووے محفل میلاد تے آندہ ہی ہووے جڑا نبی دی بارگاہ وچ قبول محفل میلاد ہے یہ ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے الحمدللہ اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل تے جڑا آ جاوے سمجھو نیکی رد نہیں ہو سکدی اے نیکی رد نہیں ہو سکدی زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں انشاءاللہ اللہ دے ولیاں دے در تے آئے ہاں تے انشاءاللہ اللہ دے ولیاں دی گل کران گے اور دعا کران گے یا اللہ سانو بھی ولیاں دا غلام بنا
बड़ी मोहब्बत नाल बड़े प्यार दे नाल जनाब भाई जमील बाबर साहब बड़ी मोहब्बत दे नाल हर साल उर्स मनांदे ने और अरसा दराज तो मना रहे ने। अल्लाह तबारक व ताला इन्हां दी एक काविश नू कबूल फरमाए और इसे तरह अल्लाह दे वलियां दे नाल अल्लाह सानू भी प्यार करन दी तौफीक अता फरमाए। इस वास्ते अज असी जिस बुजुर्ग हस्ती दे दर ते हाजिर हां उन्हां दा ताल्लुक एक सैयद दी जात दे नाल है। किंदा ताल्लुक है? सैयद दी जात दे नाल असी हाजिर हां ते इंशाल्लाह अज मदीने वाले आका साडे ते खुश हो रहे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक विच फरमाया व मैं युति अल्लाह व रसूल, फरमाया जिन्हें अल्लाह की इताद की अल्लाह के रसूल की इताद की, अल्लाह की इताद की अल्लाह की इताद की अल्लाह के रसूल की इताद की। या अल्लाह की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वा मैं युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लजीना अनअमल्लाहु मिनन्नबियीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिन्ने अल्लाह दी इताद की अल्लाह दे रसूल दी इताद की, मैं क्या या अल्लाह असी तेरी इताद ते नहीं कर सकते, मैं क्या या अल्लाह असी तेरी फरमा बरदारी किंज करांगे। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया फरमाया वमा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, फरमाया मेरे नबी ने कंकरियां फेंकिया। खालिक कायनात ने फरमाया फरमाया सोनिया एक कंकरियां तू नहीं सुटिया, एक कंकरियां मैं सुटिया ने जिन्ना ने मेरे नबी दे हाथ ते बैत की थी। अल्लाह ने फरमाया सोनिया इन्नल्लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउन अल्लाह। खालिक कायनात ने फरमाया सोनिया अज ना तेरे हाथे बैत की थी, इन्ना ने तेरे हाथे नहीं बल्कि फरमाया मेरे हाथे बैत की थी। अल्लाह अकबर मेरे नबी दा पकड़ना अल्लाह ने अपना पकड़ना गया। इस वास्ते खालिक कायनात ने फरमाया सोनिया जिन्ने तेरी इताद की थी उन्ने मेरी इताद की थी, जिन्ने तेरी फरमा बरदारी की थी फरमाया ने मेरी फरमा बरदारी की थी। गोया के जदो इंसान अपने जेन दे नाल सोचे दिमाग दे नाल सोचे पता चलता है अल्लाह तबारक व ताला नो मुहम्मद अरबी दे विचू जलवे अपने ही नजर आंदे। इस वास्ते क्यों ना कहिए रूप बदला तो क्या हम जान गए हैं, रूप बदला तो क्या हम जान गए हैं। इंज नहीं जरा मोहब्बत नाल पढ़ो रूप बदला तो क्या हम जान रूप बदला तो क्या हम जान। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नात जरा मोहब्बत नाल पढ़ो रूप बदला तो क्या हम जान गए हाँ, तू है नूरे हम पहचान गए हाँ, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर तू है हम पहचान गए हाँ,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिन्ने अल्लाह दी फरमाया जिन्ने अल्लाह दी इताअत करनी है फरमाया मेरे नबी दी इताअत कर लो फरमाया रब दी इताअत कर लोगे या अल्लाह फिर की देगा फरमाया फाउलाइका मअल्लजीना अनअमल्लाहु मिनल नबीजीना फरमाया फिर मैं नबियां दा साथ देंगा फरमाया नबियां दा साथ देंगा अगे फरमाया सदीकां दा साथ देंगा अगे फरमाया शहीदां दा साथ देंगा अगे फरमाया वसालहीन फरमाया फिर वलियां दा साथ देंगा किंदा साथ देंगा बोलो किंदा साथ देंगा किंदा साथ देंगा वलियां दा लेकिन फरमाया शर्त देवे अल्लाह दी इताअत करो ते अल्लाह दे रसूल दी अल्लाह दी इताअत करो ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करो फरमाया फिर मैं तुहानू अपने वलियां दा साथ देंगा अल्लाह ने फरमाया मेरे वलियां दा साथ एवें ना समझना मेरे वलियां दा साथ एवें ना समझना असीं एवें नहीं दरबारा दे दीवे बालदे एवें नहीं अल्लाह दे वलियां दे दरबारा ते जांदे क्यों जाने आ सानू पता है कल क्यामत वाले दिन इन्हां दे नाल होवांगे इन्हां दे नाल होवांगे ए साडा अकीदा है ए साडा ईमान है अज अल्लाह दे वलियां नाल प्यार करो कल क्यामत वाले दिन कोई यजीद दे नाल होएगा कल क्यामत वाले दिन कोई वलियां दे मुनकरा दे नाल होएगा असी फखर दे नाल अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह असी अल्लाह दे वलियां दे नाल होवांगे किंदे नाल होवांगे बोलो अल्लाह दे उची दे बोलो अल्लाह दे वलियां दे नाल होवांगे क्यों असी अल्लाह दे वलियां दे नाल प्यार करने आ एवें ही नहीं है हर साल उर्स मनांदे एवें ही नहीं अल्लाह दे वलियां दे जनाब असी खादे बन के नौकर बन के रहंदे इस वास्ते रहने आ क्योंकि साडा ईमान है अल्लाह अकबर फरमाया जेड़ा वलियां नाल प्यार करे कल क्यामत वाले दिन वलियां दे बोलो अल्लाह दे वलियां दे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया दुनिया दे अंदर असी यारी किसे यार दे नाल ला लईए दुनिया दे अंदर असी किसे दे नाल यारी ला लईए कोई दो दिन बाद कोई तीन दिन बाद कोई एक महीने बाद यारी छड़ जांदा है जेड़ा कोई साडा पक्का यार होंदा है मरण तक यारी छड़ साडे नाल लांदा है मरण तो बाद यारी छड़ देंदा है जेड़ा साडा उस तो भी डाडा यार होंदा है कबर ते साडी मिट्टी बहुती पांदा है अल्लाह अकबर मरण तो बाद ए दुनिया दे यार खत्म हो गए ए दुनिया दियां दोस्तियां खत्म हो गईयां चाहे किसी वजीर आला दे नाल दोस्ती होवे चाहे वजीर आजम दे नाल दोस्ती होवे चाहे किसी सदर दे नाल दोस्ती होवे जदों इंसान दुनिया तो टुर जांदा है ओंदी यारी खत्म हो जांदी है अल्लाह ने फरमाया वा हसुना उलाइका रफीका अल्लाह ने फरमाया जेड़ा मेरे वलियां दे नाल यारी ला लेगा फरमाया ए वली ओ यार ने जेड़े दुनिया ते भी कम आणगे कल कबर विच भी कम आणगे दुनिया विच भी कम आणगे ते कबर विच भी असी वलियां अल्लाह अकबर रसूल के गुलाम है मौत भी कबूल है असी अल्लाह दे वलिया ना की लाने बोलो यारी अल्लाह दे वलिया ना की लाने यारी एवें नहीं लांदे क्योंकि कल क्यामत वाले दिन असी अल्लाह दे वलिया दे नाल होने अल्लाह दे वलिया ने नाल होना है इस वास्ते साडा ईमान है साडा यकीन है असी अल्लाह दे वलिया ने नाल यारी लाने हैं अल्लाह दे वलिया ने नाल
यारी लाने आ। अल्लाह अकबर, क्योंकि अज असी एक सैयद जादे दी जनाब उर्स ते असी सारे हाजिर हाँ, ते मेरा दिल करता है अज उथू गल शुरू करिए जी, तू सादात शुरू होए ने। बाकी इंशाल्लाह बाद जिन्हां दी गल करांगे जी, तू सैयद की होए ने, शुरू होए ने। अल्लाह अकबर, जिथू विलायत शुरू होई है, हजरत अली जुल मुर्तजा शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप सारे वलियां दे सरदार ने, सारे वलियां दे की ने, सरदार ने। अल्लाह अकबर, और हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दी लड़ी विचों जेड़ा होवे ओ सैयद है। कोई हसनी सैयद है, कोई हुसैनी सैयद है, कोई हसनी सैयद है, कोई हुसैनी सैयद है। अल्लाह अकबर, एक गल याद रखो, जेड़ा सैयद होएगा बद मजहब नहीं होएगा, जेड़ा सैयद होएगा बद मजहब है, जेड़ा बद मजहब होएगा वह सैयद नहीं होएगा। और सैयद होंदा ही होए जेड़ा अबू बकर सदीक का भी गुलाम होवे, जेड़ा उमरे फारूक का भी गुलाम होवे, जेड़ा उस्माने खली का भी गुलाम होवे, जेड़ा अली जुल मुर्तजा का भी गुलाम होवे, और सैयद होंदा ही होवे जेड़ा अजवाजे मुतहरात दे दर दा नक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल, एंज नहीं हाथ चौक के मारो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया मुझे कसम है रब्बे काबा की उसका बेड़ा पार है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह जिन्हें हाथ चुके ने, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन ने हाथों की गवाही दे नाल साडी गुनाह मुआफ फरमाए। ऐ अल्लाह अकबर। दोस्तों, हलब दी जमीन है, दो हिंदू, किन्ने हिंदू बोलो, किन्ने हिंदू, दो हिंदू, हिंदुआ दे अंदर एक कौम है ब्राह्मण, हिंदुआ दे अंदर एक जात है, एक कौम है। अल्लाह अकबर, एक हिंदू ते एक हिंदवाणी घर औलाद नहीं सी होंदी, बच्चे नहीं सी होंदे। उन्होंने क्या सुनया है मुसलमाना दा नबी होवे जेड़ा उन्हां दे दर ते जांदा है कोई खाली नहीं आंदा, जेड़ा उन्हां दे दर ते आंदा है कोई खाली नहीं आंदा। ओ चले ते सीधे नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम दी बारगाह दे अंदर आए, मेरे महबूब मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने, ते आके अंदर आए ते कहन लगे, सोनिया असी सुनिया जेड़ा तुआडे दर ते आवे गली खाली नहीं जांदा, अज असी आए हां बड़ा दूर दराज दा सफर करके, दुआ करो अल्लाह सानू अता फरमाए, बेटा अता फरमाए। मेरे नबी ने इंज करके नजर मारी ना लोहे महफूज थे, उची बोलो सुभान अल्लाह, इंज करके लोहे महफूज थे नजर मारी, ते मेरे नबी ने फरमाया तुआड़ी किस्मत विच औलाद है, तुआड़ी किस्मत विच औलाद है, नहीं फरमाया वापस चले जाओ। वह वापस आए ना जदों, ते रस्ते दे अंदर हजरत इमाम हुसैन छोटे जे ने जिवें बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चे खेलते ने पे, ते कहन लग्या मैं ते सुनिया सी मुसलमाना दा नबी बड़ा चंगा है जेड़ा उन्दे दर ते आवे खाली नहीं जांदा, असी ते खाली चले आ। इमाम हुसैन ने फरमाया इधरा, फरमाया इधरा की कह रहे हैं, उन्हें कहा जनाब बच्चा तुहाडी गल नहीं, ए तुआडे वस दा काम नहीं। फरमाया नहीं ठहर जा बाबा दस। उन्हें क्या पुत्र मैं सुनिया सी मुसलमाना दा नबी बड़ा चंगा है जेड़ा उन्दे दर ते आवे कली खाली नहीं लौटिया, असी ते खाली लौट चले हां।
फरमाया बाबा तेन मंगन का वल ही नहीं आया। उची बोलो जरा सुभान अल्लाह। फरमाया तुहानू मंगन दा वल ही नहीं आया। उन्हें कहा दोबारा फिर जा। उन्हें कहा जाके नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम नू कह सोने अगर किस्मत विच होंदी ते तुहाडे कोल की आन लेना सी। अगर किस्मत विच होंदी ते फिर तुहाडे कोल क्यों आना सी। उन्हें साहब साहब ने कहा जी किस्मत विच होंदी ते तुहाडे कोल क्यों आना सी। किस्मत विच नहीं है इस वास्ते ते तुहाडे कोल आया। ते बाबा जो पिछे जान लगे ना अम्मा दे बाबा बाबा रुक जा उची जरा फरमाया बाबा रुक जा एक दो तीन चार पांच छह सात ते जदो ब्राह्मण ने गल सुनी इंज करके मुंह ते हाथ रखिया फरमाया बाबा की होया ही मुंह ते हाथ रखे आई फरमाया पुत्र बस कर इन्ने पुत्र बड़े ने अल्लाह अकबर इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ बाबा मैनू कसम रब्बे काबा दी जिस ते कब्जा है कुदरत दे अंदर मेरी जान है अज अगर हुसैन दे मुंह ते हाथ ना रखदा अज इन्ने पुत्र अता कर देंदा इन्ने पुत्र अता कर देंदा पूरी लोहे मफूर पूरी जमीन ते तेरे पुत्र ही पुत्र होंदे पूरी जमीन ते तेरे पुत्र ही पुत्र होंदे लेकिन फरमाया सैयद दे मुंह ते हाथ रख लिए अज नवासा रसूल दे मुंह ते हाथ रख लिए ते जदो किसी नो दईए ना इनाम ते ओ खुश होंदा है हैं ओ कहंदा है यार कदी मेरे कोल भी आना मैं भी तुहानू तुहाडी खिदमत करांगा नजराना पेश करांगा ते हजरत इमाम हुसैन नूं कहण लगा पुत्रा अगर कदी साडी जमीन दे विच चक्कर लगी ना ते जरूर आई मैं तेरी बड़ी खिदमत करांगा। मेरे इमाम ने फरमाया बाबा एक वेला आएगा मैं तेरे शहर विचों गुजरांगा तू मैनू पहचानेगा नहीं तू मैनू पहचानेगा नहीं। अल्लाह अकबर वक्त गुजरता गया वक्त गुजरता गया एक वेला आया जो मेरे इमाम मैदान करबला विच शहीद होए यजीदियां ने नेजे ते सर रख के इमाम जैनुल आबेदीन नू हथ कड़ियां दे नाल जकड़ के जो हलब शहर दे विचों गुजरे ना ते बाबा बाहर निकलिया ते एक सैयद जादे दी शकल नू वेख्या चेहरे नू वेख्या ते कहन लगे इमामे जैनुल आबेदीन दे कोल पुत्रा ए कौन है जिंदा सर नेजे ते टंगया है। जदों एक गल कीती ना अल्लाह अकबर ते इमामे जैनुल आबेदीन ने फरमाया बाबा ए ओ ये कि जिन्हें कहा सी मैं आवांगा तू पहचानेगा नहीं। अल्लाह अकबर ओदिया चीखा निकल गईया कहन लगा यजीदियो जिन्ने पैसे लेने जे ले लो लेकिन एक रात वास्ते असर मेनू दे दियो असर मेनू दे दियो। अल्लाह अकबर हजरत इमाम अली मुकाम दा सर जदों उस ब्राह्मण ने अपने कोल रखिया सारी रात अल्लाह अकबर खिदमत करता रहा सारी रात सर नू वेख के फिर वेख के वेखदा है कदी चेहरा साफ करदा है कदी इमाम हुसैन दा खून साफ करदा है चेहरा साफ करदा है खून साफ करदा है सारी रात इंजी गुजार दीती। अल्लाह अकबर जदों सुबह हुई सुबह ही ते अपने पुत्रा नू बुलाया फरमाया बेटा अज साडे मैं साडा अज साडा इम्तिहान है फरमाया मैनू जो कुछ मिलिया है इस बच्चे दे सदके मिलिया है फरमाया पुत्रा अज तुहाडा इम्तिहान है अज कुर्बानी देनी है। अल्लाह अकबर नेक औलाद सी इमाम हुसैन दी दुआ दे नाल होई सी है एक सैयद दी औलाद दे नाल होई सी फरमाया पुत्रा कुर्बानी देनी है वड्डा बेटा आया फरमाया अब्बा जी लो उन्हें इंज करके छुरी फेरी ते सर कटिया ते सर कट के यजीदा दे कोल लै गया कहन लगा यजीदियो ऐ सर लै लो ऐ सर लै लो उन्हें कहा ये साडा सर नहीं है साडा सर ते होवे जिहड़ा नेजे ते भी कुरान पढ़दा सी। उन्हें दूसरे पुत्र नूं बुलाया
ਉਹਦਾ ਸਰ ਕਟਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਸਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਤਵੇਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਡਾ ਏ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਏ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ ਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਜੋੜੇ, ਸਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਖੂਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਏ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜੰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਪਿੰਛੀ ਪੀਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ, ਮਿਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿੰਛੀ ਪੀਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਈ? ਓਏ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਇੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ, ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਏ? ਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਸੈਯਦ ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ, ਬੋਲੋ ਕੌਣ? ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵੱਲ, ਨਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਬੁਖਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਏ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਾਬੁਲ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਆਏ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮੁਰੀਦ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੱਚੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਏ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ,
साढ़े बोलो की ने, ये साढ़े की ने, पीर ने। उन्हें क्या छप बची, उन्होंने पता पीर की होंदा है ते मुरीद की होंदा है। कहन लगी पीर की होंदा है ते मुरीद की होंदा है। उन्हें क्या पुत्र इधर आ, मैं तेन अपने पीरा को पुछाना, तेन दस देंगे पीर की होंदा है ते मुरीद की होंदा है। अल्लाह अकबर। बच्ची नू पकड़ के कोल ले गए ते पुछया पुछया के पीर बाबा जी की होंदा है। उन्हें क्या पुत्र पीर ओनू आंदे ने जिंदे हद ते बैत कर लईए, जिदे मुरीद हो जाइए, जदों औखा वेला आवे ते पीर कम आंदे ने। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। उनमें क्या ज्यादा लंबी जोड़ी तकरीर नहीं, बिरयानी तैयार है, इंशाल्लाह खत्म शरीफ आ गया है। मैं बस अपनी तकरीर नु समझो समेट रहे हैं, है ते लंगर इंशाल्लाह वादू सैयद जादे दा सदका है, सदात दा सदका लंगर है वादू। अल्लाह अकबर। क्योंकि असि वो मौलवी नहीं बुलाए कि जिन्होंने जनाब 70,000 रुपया पहले लेना है ते 60,000 बाद विच लेना है ते बाद विच जनाब उन्होंने कहना मैं 2 घंटे तकरीर करनी है, या जनाब 2 लाख रुपया नाद खाने लेना है ते फिर जनाब उन्हें 3 घंटे 2 घंटे नाद पढ़नी है। असी एहो जे नाद खां नहीं बुलाए, एहो जे मौलवी भी नहीं बुलाए। अल्लाह अकबर। फातिहा पढ़ के दम किया ते उन्होंने जनाब 40 बकरियां लईयां ते नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम ने फरमा मेरा हिस्सा भी कढ़ो। ए दलील सारे ही देंदे ने, लेकिन उन्होंने पैसे लै सन काफरां दे कोल। किन्हां कोल पैसे लै सन? किन्हां कोल? बोलो किन्हां कोल पैसे लै सन? काफरां दे कोल, मुसलमानां दे कोल नहीं सन लै। ते असी पैसे लैने आ मुसलमानां दे कोल, पैसे दो फिर आना तकीर करनी है, है? लेकिन नहीं, उस्ताद खादिम से फरमाते ने नहीं, जिदा नाम लेना जे ओदा नाम लो, इंशाल्लाह इन्ना अता करेगा, इन्ना अता करदा, किसी अगे हाथ फैलाने की लोड़ ही नहीं पैनी। बरहाल ख्वाजा बहाउद्दीन आप तशरीफ फरमाने, लड़की आई, उन्हें क्या बाबा मुरीद की होंदा है ते पीर की होंदे ने? आपने फरमाया पुत्र जो औखा वेला आवे ते पीर कम आ जाते, पीर की आ जाते ने। उन्हें कहा बाबा औखा वेला तो आंदा ही रहिंदा है, मैनू भी मुरीद कर लो। की फरमाया? मैनू भी मुरीद कर लो। उन्हें कहा ठीक है पुत्र, तू भी मुरीद हो जा। बाबा जी ने बैत मुरीद किया, नाले नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम का कलमा पढ़ाया, है ते कलमा पढ़ा के मुरीद करके फरमाया बेटी जा, जदों औखा वेला आवे ना मैनू याद करी, मैं आ जाऊंगा, मैनू याद करी, मैं जदों भी औखा वेला आवे। वक्त गुजरता गया, उस लड़की नू बादशाह दे महल दे विच नौकरी मिल गई। केड़ा? क्योंकि जदों बंदा अल्लाह दे वलियां दा गुलाम हो जावे ना, क्यों जी बाबर साहब, अल्लाह दे वलियां दा गुलाम हो जावे ते अल्लाह इन्ना अता करदा है, इन्ना अता करदा है, बंदे दी सोच ही खत्म हो जाती है, इन्ना देता है। अल्लाह अकबर। उन्हें कहा पुत्र जदो भी औखा वेला आवे मैनू पुकारी। लड़की नू बादशाह दे महल विच नौकरी मिल गई। जो तो नौकरी मिली ते सारे सड़न लग पे। उन्हें कहा ए की है, बाद विच आइए, इन्नी तरक्की कर गई। बादशाह दा एक हार चोरी हो गया ते सारे ने कहा जनाब इस लड़की ने चोरी कीता है, इस बच्ची ने चोरी कीता है। बादशाह ने कहा इस तरह करो, इनू छत ते ले जाके उतू धक्का दे दियो, इनू मार दियो। बच्ची जदो गई, अल्लाह अकबर, चोर नहीं सी, इल्जाम लगा ते लोगा ने पकड़ के हथकड़ियां ला के जंजीरां दे नाल जकड़ के महल दी छत ते लेके जा रहे ने। जदो थोड़ी जी लड़की अगे गई ना, उनके जेन में जे ख्याल आया बाबा जी ने कहा सी जदो औखा वेला आवे मैनू याद करी। अल्लाह अकबर। जेन दे अंदर ख्याल आया, जेन दे अंदर ख्याल आया बाबा जी ने क्या सी जदो औखा वेला आया ए मैनू याद कर लई, मैं आ जावांगा। कहन लगी वे बाबा तू, मैं तेरी मुरीदा, तू पीर है। वे बाबा अज औखा वेला आ गया है, अज आके मेरी इमदाद कर। अल्लाह अकबर। जदो दूसरी सीढ़ी ते कदम रखे, तीसरी सीढ़ी ते कदम रखे, अध विच पहुंच गई।
नाले पुकार दिए बुखारे वल मुंह करके, कहंदी है वे बाबा जल्दी आ जा, वे बाबा जल्दी आ जा। जो आखिर ते पहुंची छत दे उत्ते पहुंच गई, लड़की चीखा मार के बुखारे वल मुंह करके कहंदी है, कहंदी है वे बाबा, वे बाबा जल्दी आ जा, वे बाबा जल्दी आ जा। तू क्या सी मैं पहुंचांगा, अज मेरे ते औखा वेला आया है, अज मेरी जिंदगी दा सवाल है, अज जल्दी पहुंच, अज जल्दी पहुंच। अल्लाहु अकबर, नाले रोंदी है नाले बुखारे वल मुंह करके चीखा मार दिए। आखिरकार जदो लड़की दे उन्होंने हाथ पैर बन के अखा बन के जदो उत्तू धक्का दिता, लड़की जदो दरम्यान चू पहुंची चीखा मार के कहंदी है, कहंदी है वे बाबा आ जा, वे बाबा आ जा। आखिरी चीख मारी ते बेहोश हो गई, जदो जमीन ते आ गई, अल्लाहु अकबर, अखा खोलिया की वेख्या, एक नुरानी शकल वाला बुजुर्ग इंज करके अपने हाथां ते चुक लिया है। अल्लाहु अकबर, कह लगी वे बाबा तू ते बुखारे सी इन्नी दूर कहीं जा गई है। फरमाया बेटा अगर तू छत तू थल्ले आ सकनी है, तू मुरीद नहीं है मैं पीरा, अगर तू थल्ले आ सकनी है मैं बुखारे विचों भी इत्थे आ मालूम होया अल्लाह दे वली कम आंदे ने। अल्लाह दे वली हजरत दे ख्वाजा खाजगान हजरत दे अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह पीर पठान दे दादे, पीर पठान दे, बोलो पीर पठान दे, आखिरी गल उस तो बाद खत्म, पीर पठान दे दादे। अल्लाहु अकबर, आप हर रोज मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़ने वास्ते आंदे सन। अपनी मां दे नाल उमरा करके आवे, या अल्लाह जेड़ा इस तू उची बोले अज रात समय ते कमली वाला ख्वाब च आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप रोजाना मस्जिद में नमाज पढ़ने वास्ते आते सन, मस्जिद की दुकान ते जिवें है ना बार मलक की दुकान है, इस तरह एक दुकान सी है, ते ओ सी हिंदू की दुकान। किंदी दुकान सी? हिंदू की दुकान। वो जदों भी आते ने अल्लाहु अकबर, ते ओ हिंदू वेख के कहंदा बाबा बलियां नू लाज बलियां दी। उची बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहन लगा बाबा बलिया नू लाज बलिया दी। वक्त गुजरता गया, आप इन्ने बीमार हो गए, आप दे मुरीद आप नू डोली ते चुक के ले आंदे सन मस्जिद दे अंदर, है मोढ़ियां ते चुक के कंधियां ते चुक के आप नू लेके आंदे सन, ते आके आप फिर भी नमाज पढ़ते सन। फिर भी की पढ़ते सन? बोलो की पढ़ते सन? वली ओ होंदा जेड़ा नमाजी होए, वली ओ होंदा जेड़ा नमाजी होए। अल्लाहु अकबर। आप वक्त गुजरता गया, एक दिन आप जोर दे टाइम आए ते हिंदू नजर ना आया, हिंदू नजर ना आया। अल्लाहु अकबर। असर दा टाइम हो गया, हिंदू नजर ना आया। मगरिब दा टाइम हो गया, हिंदू नजर ना आया। इशा दा टाइम हो गया, आपने फरमाया ऐ जेड़ा हिंदू सी ओ किथे गया, जेड़ा हिंदू सी आप उस हिंदू के दरवाजे ते गए ने, जो हिंदू के दरवाजे ते गए ने, हिंदू दरवाजे दे अगे खड़े ने, आपने फरमाया मैं अपने यार नू मिलना है, मैं अपने दोस्त नू मिलना है। उन्हें कहा साडे अंदर ये रिवाज है, जो आखिरी वेला होवे, जो मौत का वक्त करीब होवे, असी किसे नू कोल नहीं जान देंदे, असी किसे नू मुलाकात नहीं करन देंदे।
फरमाया देवेंद्र रिवाज तुसी हिंदू वो मैं मुसलमान मैं ते मुलाकात करनी है। उन्हें क्या ना 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 असी मुलाकात नहीं हो करनी करण देनी जो मर्जी हो जाए। खाजा ला बख्शतो सवीरा मतुल्ला ताला ले आपने फरमाया जाओ अगर असी नहीं जाना इन्हे नहीं हो जाना। फरमाया जाओ अगर असी नहीं जाना ते इन्हें भी नहीं हो जाना। अल्लाह अकबर आप चले गए। एक दिन गुजरिया दो दिन गुजरे तीन दिन गुजरे अल्लाह अकबर जो तीन दिन गुजरे सारे हिंदू आप दी बारगाह दे अंदर आए कहन लगे बाबा तुसी नहीं जाना ते उन्हें भी नहीं हो जाना। अल्लाह अकबर तुसी नहीं जाना ते उन्हें भी नहीं हो जाना। जल्दी आओ आके अपने यारे अपने यार दे नाल मुलाकात कर लो। ख्वाजा ला बख्शतो सवीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया चलो मेरी डोली चुको। मुरीदा ने डोली चुकी चुक के आके हिंदू दे दरवाजे दे अगे लेके आए हिंदू साइड दे हो गए। अल्लाह अकबर जदों अल्लाह ख्वाजा ला बख्शतो सवीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दरवाजे दे आए ओनू आया सादे विचों यार दी खुशबू आ गई। अल्लाह अकबर यार दी खुशबू आ गई। ख्वाजा ला बख्शतो सवीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कोल गए ने जदों कोल गए ने उस हिंदू दा सर अपनी गोदी दे अंदर रखिया गोदी दे अंदर रख के आपने फरमाया भलिया नू लाज भलिया दी। आपने फरमाया बलिया नू लाज बलिया दी। आपने फरमाया मेरे नबी दा कलमा पढ़ ले जा मैं गरंटी देना जिन्हें अल्लाह दे वलियां दे नाल यारी ला ली जिन्हें अल्लाह दे दोस्तां दे नाल यारी ला ली। फरमाया मैं गरंटी देना अज इत्थे भी साथ नहीं छड़िया कल क्यामत वाले दिन भी बाजू पकड़ के जन्नत विच नाल लेके जावांगा। अल्लाह अकबर कलमा पढ़िया रूह परवाज कर गई। जो रूह परवाज कर गई आपने फरमाया ए साडा यार बन गया है ए साडा दोस्त बन गया है इनू साड़ना नहीं। अल्लाह अकबर हिंदुआ ने किया ए किस तरह हो सकता है सारी जिंदगी साडी गुलामी की थी सारी जिंदगी साडा है आखिर वक्त तुहाडा बन गया सी ते साड़ांगे। आपने फरमाया अच्छा जा साड़ लो। अल्लाह अकबर ख्वाजा ला बख्शतो सवी रहमतुल्लाह ताला ले अपने आस्थाने ते आ गए ने। जदों अपने आस्थाने ते आ गए हिंदुआ ने सारियां लकड़ियां कठियां की दियां लकड़ियां कठियां करके अग लांदे ने अग साड़दी नहीं अग जलांदी नहीं। सारे ख्वाजा ला बख्शतो सवी रहमतुल्लाह ताला ले दे कोल आए ने कहंदे ने बाबा ओनू ते अग साड़दी नहीं ओनू ते अग जलांदी नहीं। आपने फरमाया जलियो तुसी ते दुनिया दी अग कहंदे हो ए मेरे नबी दा गुलाम बन गया है ए मेरे नबी दा गुलाम बन गया है ए हुण साडा गुलाम बन गया है ए साडा यार बन गया है। फरमाया इनू ते जहन्नम दी अग भी नहीं साड़ सकदी। इस वास्ते जेड़ा बंदा अल्लाह दे वलियां नाल प्यार करदा उहनू जहन्नम दी अग साड़ सकदी। अल्लाह सानू भी अपने वलियां दे नाल प्यार करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला साडा इत्थे बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। चूंकि अल्लाह दे वलियां दी शान अगर कुरान विच बयान करिए वह भी नहीं खत्म होंदी अगर अल्लाह दे वलियां दे करामात बयान करिए वह भी नहीं खत्म होंदे सारी रात लगे रहिए फिर भी नहीं खत्म होंदियां। लेकिन चूंकि मेहमान दूर दराज तो तशरीफ लियांदे ने और महल्ले वाले भी वह भी तशरीफ लियांदे ने अल्लाह तबारक व ताला सारिआं दा आना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए और सानू सारियानू औले याद सच्चा गुलाम बनाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।